नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हम जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इनके ट्रेड रिलेशंस थे वो किन किन लोगों के साथ थे। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ रीजन की करेंसी जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से मिली है, लोथल से। ठीक है, लोथल स्थल जो है, तो ए ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे क्योंकि ये भी एक जो है पोर्ट सिटी हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ से जो है ट्रेड वगैरह होते थे। अगले में हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। ठीक, तो हड़प्पाकालीन स्थल हैं कुछ और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये लिखा है। तो धान की भूसी यानी कि पैडी हस्क जो है ये मिला है हमें रंगपुर से। ठीक, सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। बाकी के तीन जो हैं है ना, स्थल और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये आप हमें कॉमेंट करिए। अगला देखिए, निम्न में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है। ठीक है, तो ये भी एक जो है हड़प्पा स्थल का रूप है और अगर हम देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं यहाँ से निर्यात होती थी तो इसमें ब्लैक वुड और हाथी दांत यानी कि आइवरी और गोल्ड है ना, ये तीन चीज़ें होती थी। सीसा जो है ये नहीं है, तो हम यहाँ पे 1, 2 और 3 को चुनेंगे। और ये स्थल जो है वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताइए। अगला देखेंगे कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, कब की गई। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा। यहाँ पे जो है अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय जो एक कमेटी है इसको गठित किया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ से डी ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो शुद्धि मूवमेंट जो हमारा चला उसका समर्थन इसमें देखेंगे तो आर्य समाज के द्वारा किया गया है। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था जरा ये बताइए। चलिए अगला देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 19वीं शताब्दी का ये टाइम पीरियड है तो यहाँ पे देखेंगे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले है ना, ऐसे तमाम लोग जो हैं, दयानंद सरस्वती, तो इन लोगों के द्वारा कई सारे मूवमेंट्स वगैरह चलाए गए जनता को अवेयर करने के लिए कि आप जो है रिलीजियस और जो है ये आपके सोशल रिफॉर्म्स आपके अंतर्गत आपके मध्य जरूरी हैं। ठीक है, तो इन मूवमेंट्स को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली जो कह लीजिए कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो हमसे पूछी जा रही हैं वो कौन सी हुई, तो उसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ग थे, बुद्धिजीवी है ना, नगरीय उच्च जातियाँ जो अपर कास्टस थी है ना अर्बन रीजन में, और उदार रजवाड़े वर्ग यानी कि जो प्रिंसली क्लास थे, लिबरल थे है ना, तो इन लोगों को जो है आकर्षित किया गया इन आंदोलन जितने भी हुए। यहाँ पे जो निर्धन सर्वसाधारण है यानी कि जो कॉमनर थे, पुअर, वो सिर्फ अपने कामकाज में इतने व्यस्त थे कि उनको और किसी चीज़ का जो है अवेयरनेस हो ही नहीं पाता था या उनको समझ में नहीं आती थी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लास जो है इसमें कवर नहीं है था, तो हम 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार हमको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा गया है जिनकी जो है 19वीं शताब्दी में स्थापना की गई है ना समाज सुधार के क्षेत्र में। तो देखिए पहला जो इसमें आएगा बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1852 में। ठीक, दूसरा आएगा फिर इंडियन लीग, इसको 1875 में इस्टेब्लिश किया गया, फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में है, और मद्रास महाजन सभा जो है ये है आपका 1884 में। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से इनका क्रम होगा, ऑप्शन हम बी को चुन लेंगे।
अगला देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो एक मतलब इंस्टीट्यूट एसोसिएशन कह लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था 1924 का, तो लेटर ऑन जो है इसको कह लीजिए रीऑर्गेनाइज किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के रूप में। ठीक है, और ये 1928 में किया गया है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है 10 सितंबर 1928 वाला, इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम यानी कि उसका विषय क्या रहा। तो अभी यूनियन बजट जो इस वर्ष का आया है उसका थीम है एजाइल अप्रोच। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो अलग अलग टैक्सेस के रेट्स होते हैं, जैसे हमारे तो कॉरपोरेट टैक्स जो है 18% से इसको रिड्यूस करके 15% जो है वो किया गया है। ठीक, बी ऑप्शन। वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जैसे आजकल ये आपका डिजिटल करेंसीज वगैरह काफ़ी प्रमोट की जा रही हैं प्राइवेट जो ऐप डेवलपर्स हैं इनके द्वारा, जैसे ऑक्टा एफएक्स हो गया है ना, ऐसे कई सारे आ गए हैं। तो बेसिकली जैसे बिटकॉइन के संबंध में आप समझिए कि अगर इस तरीके की डिजिटल करेंसी से कोई भी इनकम आप करते हैं, तो चूंकि वो लीगलाइज नहीं है भारत में, रेगुलेटेड नहीं है, तो ऐसी करेंसी पे आपको जो है इनकम पे 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा, इसका प्रावधान किया गया है, तो डी ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला है कि बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति जो एक योजना चलाई जा रही है, इसके तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है ये आपका नेशनल हाईवेज को कंप्लीट करने का, तो टोटल है 25,000 किलोमीटर। ठीक है, पीएम गति शक्ति में बजट 2022-23 के प्रावधानों के अनुसार। अगला है, बजट 2022-23 के अनुसार हर घर नल से जल, इस योजना के तहत कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत देखेंगे तो जो हमारे हाउसेस कवर किए जाएंगे लगभग 3.8 करोड़, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है, किसी राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल भी है इसके संदर्भ में, उसको भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 1 में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो आपका हाईकोर्ट के जजेस हैं और चीफ जस्टिस होते हैं उस रेस्पेक्टिव, या फिर किसी भी हाईकोर्ट के जज जो होंगे, ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला देखेंगे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इंटरनेशनल लेवल में देखेंगे तो ये हमारा जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये हेग में है ना, ऑप्शन डी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कुछ हमारे पास पेयर लिखे हैं तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है, ये गलत लिखा है। पीसी कल्चर क्या होता है कि जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेज होता है उसको इस रूप में जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताइए कि लाख का कीट जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। अगला है कि जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लांट सेल में देखते हैं तो सेलुलोज की सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, परंतु एनिमल सेल में जो है ये एब्सेंस होता है, तो यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। अगला है, निम्न में से हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो दांतों के ऊपर एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जो हमारे सभी दांतों को कवर किए होती है, ये होती है इनेमल। ठीक है, तो ये सबसे जो है मजबूत अंग है शरीर का। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है जो भारत में स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, ऑप्शन सी। अगला है, नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। ठीक है, तो इन सब जो हमारे ये टर्म्स यहाँ पे हैं तो इनका प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए हमारा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसके द्वारा इसको किया जाता है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है जरा ये बताइए। कि
किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं तो इनसे बेसिकली लिक्विडिटी जैसे मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको अब्जॉर्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी को बोरो कर लेता है। ठीक है, तो ये रेट होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और इसी का उल्टा जो रेपो रेट होता है, तो जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न करना होता है इकोनॉमी में, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक्स को इस रेट पे जो मनी है वो लेंड करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो है पांच राजवंशों के बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश, है ना, सॉरी नहीं नहीं माफ़ कीजिएगा, खिलजी आते हैं इसके बाद। ठीक है, फिर तुगलक, है ना, फिर सैयद और फिर लोदी। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। और देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे ये हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे दिमाग में इसको बना लीजिए, जी से गुलाब, के से खिले, है ना, टी से तो, एस से जो स्मेल करना यानी कि सूंघना, और एल से लो। ठीक है, तो गुलाब, खिले, तो, सूंघ, लो, तो ये क्रम होता है दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं, तो इससे आप इजीली याद कर सकते हैं इसको। ऑप्शन ए को चुनेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है कि मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि यूरिन का कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल वाइट या नॉर्मल होने के बजाय, तो ऐसा क्यों होता है, तो एट दैट टाइम प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम जो है इसके कारण ऐसा होता है। अगला है, मंग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ये बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान का, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे कि पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा देख लीजिए, नीचे भी है, तो नीचे अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए जो 73rd अमेंडमेंट हमारा हुआ है, पंचायत का प्रावधान जिसके द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है, तो उसमें ही जो है ये रिजर्वेशन हमारा जो महिलाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, ये किया गया है। तो हम यहाँ से कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन ए वाला, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट। अगला देखिए कि किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। ठीक है, एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस की, किसकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी बढ़िया है या कैसे है। ठीक है, तो इस इंडेक्स को जो जारी किया गया है रैंकिंग को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक किस प्रकार का आयोग है। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग तरीके की बॉडीज़ के टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट कमीशन की, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब क्या है कि इसका जो मेंशन है किसी संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 338A देखेंगे तो वहाँ पे इसका प्रावधान मिलता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था 89th अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, तो जो इफेक्टिव है 2004 से, तो जिसमें कि नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST होता था, तो उसको दो सेपरेट कमीशन्स में बनाया गया था इस 89th अमेंडमेंट से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो बेसिकली मैकेनिकल वेव क्या होता है कि जिसमें कि जैसे कोई हमारा मैटर है ना, तो उसमें ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो और इस ऑसिलेशन के दौरान जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो किसी मीडियम के थ्रू ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम मैकेनिकल वेव को समझेंगे, तो मैकेनिकल वेव हमारी जो है तीन टाइप्स की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और तीसरी होती है सर्फेस वेव्स। ठीक, तो मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे जो एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स का, तो यहाँ पे तो हमको मिल रहा है साउंड वेव्स, है ना, ऑप्शन डी को हम चुनेंगे। इसके अलावा वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और सीस्मिक वेव्स जो होती हैं हमारी, है ना, ये हमारी एग्जांपल होती हैं मैकेनिकल वेव की। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वरमान यानी कि पिच है। ठीक है, जो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड होती है। तो देखिए जैसे कि मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे मेल और फीमेल की वॉइसेज हैं, तो जैसे फीमेल की वॉइस थोड़ी पतली आपको समझ में आती है और मेल की थोड़ी भारी होती है। ठीक है, तो उसी संबंध में अगर हम पिच की बात करें, तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे।
ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जिसकी ज़्यादा पिच होगी वो फ्रीक्वेंसी भी उसकी हाई होगी। तो ऐसा किस में देखा जाता है, महिलाओं में जो है, मतलब महिलाएं जो है वो हाई पिच और फ्रीक्वेंसी पे उनकी वॉइस होती है, और अगर पुरुषों की बात करें तो इनमें दोनों चीज़ उनके कंपैरिजन में लो होता है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसकी पिच ज़्यादा होती है, महिलाओं की या पुरुषों की, या किसकी कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में जो पिच और फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है और पुरुषों में कम होती है उनके कंपैरिजन में। ठीक, तो इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व सौर सेल यानी कि जो सोलर सेल्स होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकन जो होता है उसको यूज़ करके जो फोटोवोल्टिक नोड्यूल्स होते हैं, है ना, ये सोलर पैनल्स वगैरह में, इसको यूज़ करके उसको बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए, न्याय सूत्र जो है वो किसने लिखी है, एंशियंट टाइम्स की पुस्तक ये जो है, तो न्याय सूत्र के लेखक हैं गौतम। ठीक, हिस्ट्री में आपने ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति जो है शुरू की थी। ठीक है, तो पुर्तगीज गवर्नर था, ये आपको पता ही है। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था ये जरा कॉमेंट करिए। अगला है, बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के क्षेत्र में बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये है पहला यहाँ का, यूएई का। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था। ठीक है, तो ये पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल आप देखते हैं, ठीक है, रथ यात्रा वगैरह जो संबंधित है इससे, तो इसके निर्माण का जो संबंध है वो ये गंगा डायनेस्टी से है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली परिक्षेत्र का विलय भारत संघ में किया गया था। ठीक है, तो देखिए आज़ादी के बाद भी जो है कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे बच गए थे जो पुर्तगीज के जो है टेरिटोरियल उसमें, मतलब कह लीजिए टेरिटोरियल राइट्स में थे। ठीक, तो जिसमें कि आपका ये जो है गोवा, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका दमन दीव का क्षेत्र था। ठीक है, तो इन सबको लिबरेट कराने के लिए ये जो है इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, 1961 का। ठीक है, जिसको कि दूसरे नाम में लिबरेशन ऑफ गोवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय का संबंध जो है इन सब क्षेत्रों के लिबरेशन से था और इसको इंडियन यूनियन में मिलाने से संबंध था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन विजय कारगिल के युद्ध से भी संबंधित है, उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में इनमें से कौन भारत आया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसके बाद जो है भारत में कैबिनेट मिशन जो है इसको भेजा गया था। अगला देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ भारत में, तो निम्न में से किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो देखिए भारत में जो है क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। ठीक है, तो इसके ही विरोध में यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन हम बी को चुन लेंगे यहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथी और चरम पंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। ठीक है, तो देखिए सूरत स्प्लिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे, है ना, और मॉडरेट। ठीक है, तो 1907 का ये सेशन था हमारा। ऑप्शन जो है बी को चुन लेंगे। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है इनका जो दो भागों में विभाजित हो गई कांग्रेस, और बाद में जाके 1916 में जो है ये पुनः जो है एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अल्बू कर्क ने गोवा को निम्न में से किससे अधिग्रहित किया था, यानी कि अक्वायर किया था। तो अभी हमने ऊपर गोवा के लिबरेशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे बेसिकली जो है 1510 एडी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, तो इसने जो ये बीजापुर के सुल्तान थे इनका नाम था इस्माइल आदिल शाह। ठीक है, तो इनसे जो है अक्वायर किया था इसने। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला देखिए, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे, है ना, तो उनके ऊपर संबंधित एक पुस्तक है ये, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके लेखक हैं दिनयार पटेल। ऑप्शन बी। भारत और बांग्लादेश ने निम्न में से किस
दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो डेट तो ये है दिसंबर 6, और ये बेसिकली मैत्री दिवस किस उपलक्ष्य में मनाए जाने का जो फैसला लिया गया है, क्या बताएंगे आप? अगला है, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस निम्न में से किसे कहा जाता है या क्या है? ठीक है, तो देखेंगे ह्यूमन बॉडीज में जो सेल्स होती हैं तो उसका एक तरीके से पावर सोर्स या पावर हाउस होता है माइटोकांड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, ऑप्शन बी। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्षों के बाद निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? ठीक है, तो देखिए ब्रिटिशर्स ने देखेंगे तो बहुत मैक्सिमम एरिया को विश्व में कब्जा करके रखा है ना, और धीरे धीरे सब लिबरेट हुए। तो अभी रिसेंटली जो एक देश है बारबाडोस, ठीक है, यहाँ पे जो ये लैटिन अमेरिका वाला रीजन देखेंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है। तो ये सबसे जो है न्यूएस्ट रिपब्लिक जो है बना है अराउंड 400 वर्षों के बाद, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आदिवासी आंदोलन सबसे पहले हुआ था? ठीक है, तो अराउंड 1798-99 के टाइम पीरियड में जो है ये चुआर विद्रोह जो है वेस्ट बंगाल में, ये मेदिनीपुर वाला जो एरिया था यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और इसके लीडर थे दुर्जन सिंह, ठीक है, जो कि एक डिस्प्लेस्ड जमींदार थे। तो इनके अंतर्गत ये जो एक कह लीजिए अपराइजिंग हुई, और उसके बाद जो है ये बाकी के आते हैं, तो इनका टाइम पीरियड भी आप देखिएगा। फिलहाल सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी है ना एक मर्चेंट कंपनी के रूप में, तो सिर्फ यही ऑपरेट कर रही थी, और इसका विरोध काफ़ी ब्रिटेन में होने लग गया था क्योंकि और कंपनीज जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में थी। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे फिर जा करके जो चार्टर एक्ट 1813 का आता है उसके द्वारा जो है ट्रेड मोनोपोली इसकी समाप्त की गई, और भी कंपनीज को जो है यहाँ पे मौका दिया गया, और फिर भी ट्रेड मोनोपोली समाप्त करके कुछ दो राइट्स ऐसे थे जो एक्सक्लूसिवली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, वो कौन से थे ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, मलेरिया को फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज निम्न में से किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये चार्ल्स लुई अल्फोंस लैवरिन, ठीक है, इन्होंने खोज की थी, ऑप्शन हम बी को चुन लेते हैं अभी यहाँ पे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो पैरासाइट से फैलने वाली डिजीज़ है, जो कि पैरासाइट कैसे स्प्रेड होता है ह्यूमंस में, जो कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उसके बाइट से। ठीक है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में रखिए। अगला देखेंगे, तुलसी के पौधे में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण इसके औषधीय महत्व हैं? ठीक है, तो देखिए तुलसी का प्लांट जो हमारे जैसे हिंदू धर्म में बहुत ही सैक्रेड और उसको काफ़ी वैल्यू दी जाती है, वैल्यूएबल मेडिसिनल वैल्यू दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि चाय वाय में भी यूज़ करते हैं लोग है ना, और बाकी भी तरीके से यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, तो इसमें फिनॉल और ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं आपको हेल्प करने में, तो ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, और भी तमाम तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो जिस वजह से ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है पौधा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट था, और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।